मैं बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन आई रोड नंबर 3 पे मोहम्मद बिन इशाक के बारे में कंप्लेन करने के लिए। तो अक्टूबर से रिलेशनशिप में थे हम लोग, बेलुगा कॉफी शॉप पे मिले थे जुबली हिल्स के, वहां से मुलाकात हुई इंस्टाग्राम के थ्रू। तो मैं मोहम्मद को बोली ऐसा मेरा बच्चा है, डिवोर्स हुआ है मेरा। तो उसके बाद मोहम्मद से बात होने के बाद मैं उनको बोली मैं फैमिली से मिलाती हूँ मैं आपको, अगर निकाह का सीरियस सोच रहे हैं आप तो मैं फैमिली से ही मिलाऊंगी आपको, उसके बाद ही डेट फिक्स करेंगे सब क्या है ये वो, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं। तो महीना होते गए ऐसे, दिसंबर तक जो है सो डिसाइड कर लिया हम लोग कि फरवरी के सेकेंड वीक में करना है शादी बोल के। जैसे ही फरवरी का मंथ आया होने के बाद जो है मेरे को ये भी नहीं मालूम था उनके दो बीवियां ऑलरेडी है बोलकर, और दो बीवियों का मालूम होने से पहले इन्होंने पेरेंट्स से भी बुलाए मेरे को जो मेहंदीपट्टनम पे रहते हैं लोग, इनके बदर बिन इशाक और जरीना आंटी है। तो वो लोग भी मेरे को उस दिन नहीं बोले कि इनके ऑलरेडी दो बीवियां हैं बोल के, उल्टा तो उल्टा ये बोले कि जितना जल्दी हो सके फरवरी में आप लोग निकाह कर लो, अच्छी चीज नहीं है ऐसा रिलेशनशिप में रहना ये वो, आप लोग निकाह जितना जल्दी हो सके कर लो, हलाल का काम है अल्लाह की तरफ से खैर होंगी ये वो बोलकर उन लोग ये बात करे। फिर उसके बाद बीवियों का मालूम मेरे को बाद में होते ही मोहम्मद जो सो नहीं कर तू शादी बोल के फिर फर्नीचर दलाने लगा है मेरे से 50,000 लिए, 50,000 लेके फर्नीचर दलाने लगा है क्योंकि मैं उन्होंने डिमांड भी करे उन्होंने तुम फर्नीचर का करो तुम ये करो बोले, तो मैं खुशी से जो सो मेरे इंटीरियर्स की कंपनी है तो मैं खुशी से अपने उसे 50,000 दी उनको पहले फर्नीचर का करने के लिए। उन्होंने और उनके कजन है एक रेहान बोल के दोनों कारपेंटर को लाके सेट कराए पूरा फर्नीचर। फिर दो दिन होते कि और 70,000 लेके गए उन्होंने मेरे से, 70,000 लेके डाइनिंग टेबल सोफा है वो भी लेना है मेरे को, दूसरी चीजें टीवी यूनिट बोलकर लेके गए। तो कभी मैं रिसिप्ट नहीं पूछी कुछ भी नहीं, एक भरोसा हो गया था फरवरी में निकाह है कैसा भी बोल के। फैमिली से मिलाई मैं, अपने माँ से भी मिलाई कॉफी शॉप पे, जीजू से भी मिलाई, हमारे कजन सुल्ला सब विटनेस है हर एक चीज के। फिर उसके बाद जैसे ही निकाह का नजदीक डेट आते गए इन्होंने मारना शुरू करे मेरे को बेल्ट से हाथों से मार के, जो सो मैं नहीं कर दू शादी क्या कर लेते कर लो बोल के धमकियां देना शुरू करे। फिर फैमिलीज की जो वीडियो जो शेयर होते हैं उस पर भी धमकियां देते गए इनको, तेरी हालत ऐसी कर दूंगा मैं कि दुबई चले आना, इंडिया में रहने के काबिल नहीं रहना, तो ऐसे धमकियां भी करवा सकती मैं। और ये हर बात उन्होंने मिलने के टाइम पे बोलते थे क्योंकि मेरे फोनों में रिकॉर्डिंग रहती थी, और या फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे ही कॉल करते थे मेरे को, तो मेरे पास जो सो व्हाट्सएप पे जो भी चैटिंग हुई उनके गालियां इतने गंदे गालियां सारे रिकॉर्डिंग है प्रूफ से, जो मैं पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी सबमिट करी मैं हर एक प्रूफ के साथ ही कंप्लेन हुआ यहाँ पे। और हर बार मेरे से ये बोल के लड़ते थे उन्होंने कि मेरे को नॉर्मल कॉल नहीं करना क्योंकि उनको ये डर रहता था कि कॉल में रिकॉर्डिंग रहती थी मेरी, और रिकॉर्डिंग इसलिए रहते थे क्योंकि मेरा ऑफिशियल है मेरे दोनों नंबर्स भी वो, तो रिकॉर्डिंग क्लाइंटेल्स के कन्वर्सेशन के लिए वो मेरे को रखना पड़ता था वो सब चीजों के लिए। सेक्शन में थे बोलकर वो भी लगाए हम लोग सेक्शन उनको, फिर मारे बोल के लगाए, फिर पैसे दिए बोलकर भी लगाए उनको, और एक उनके पेरेंट्स जो छुपा के वाइफ्स का और मोहम्मद बिन FIR तो सिर्फ मोहम्मद पे ही लिए, दूसरे लोगों पे अभी नहीं लिए। मैं चाह रही थी कि उनके पेरेंट्स पे भी फ्रॉड केस का रहना क्योंकि पेरेंट्स भी छुपाए उनके बोल के। दिसंबर की एंड में मालूम हुआ मेरे को, वो भी मोहम्मद ही मेरे को जो है एंड में लास्ट में आके बोले मेरे दो वाइफ है मैं शादी नहीं करती बोल के, वो बस को बोले उन्होंने एक्चुअली। ये मोहम्मद काम क्या करते हैं? यूट्यूबर है मोहम्मद बिन इशाक जो वीडियोस बनाते व्हाट द फन के, और दूसरे भी कोई और भी चैनल्स होंगे उनके, बट यूट्यूब पे उन्होंने चैनल्स बनाते अपने अलावा कुछ भी सोर्सेस नहीं है। पुलिस में भी उनको बात ना करे, दो बीवियां रख ले के तुम कौन से बेस पे इनसे निकाह करने वाले थे, जब सैलरी तुम्हारी 50,000 है तो इनको इनके बेस पे कैसा इनको यूज करके तुम रहना चाह रहे थे क्या पूरे, क्योंकि इंटीरियर में मेरा ज्यादा पैसा रहता मेरे को, तो वो सब देख के समझ के खाली यूज करने की नीयत से इन आए मेरे से निकाह फरवरी में होते कि इनकी बीवी है महरीन जो सन सिटी में रहते हैं उन्होंने उनके थ्रू जो है 5 फरवरी के दिन कॉल करा के धमकियां देने लगा है मैं ऑफिस आ जाती हूँ मोहम्मद को छोड़ दो बोल के। तो मैं उनसे ये सवाल करी आप कौन है मैं जानती हूँ भी नहीं आपको, तो उन्होंने जब बोले मैं बीवी हूँ बोल के मेरे को फरवरी में सन सिटी के बीवी का मालूम हुआ, जनवरी में जो टोली चौकी में इनकी और एक बीवी रहती उनसे मालूम हुआ, उनके पूरे गालियां है मेरे। मैं मोहम्मद को डेली रात फर्नीचर वगैरह फ्लैट रेंटल है मेरा जिसमें मैं मोहम्मद ही जाके ओनर से फाइनल कराई क्योंकि मोहम्मद के दोस्त भी है वो ओनर जहाँ पे रहती हूँ मैं,
तो वो फ्लैट शिफ्ट होते वक्त भी मोहम्मद भी थे वहाँ, फर्नीचर शिफ्ट होते वक्त भी मोहम्मद और उनके कजन थे वहाँ पे। तो ये सब होने के बाद फैमिली को तो सब मालूम था फरवरी में निकाह होने वाला है, तो मोहम्मद उसके बाद बीवियों का ये वो तमाशा एक नया निकाले, ये बीवी को मालूम हो गया, वो बीवी को नहीं कर सकती मैं बोलने के बाद, मैं डायरेक्टली जो है सो पुलिस स्टेशन आई बंजारा हिल्स के 7 फरवरी के दिन। तो वहां पे मोहम्मद आके लेटर लिखे के मैं तकलीफ नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं मारना नहीं चाह रहा हूँ आज के बाद, बोल के लेटर लिखे उन्होंने पेपर में, वो पेपर्स है मेरे पास, ना आज के बाद हाथ उठाऊंगा ना गालियां दूंगा और पीर के दिन शादी कर दूं, बोले जो परसों जो पीर गई हुई है, आज तो थर्सडे है आज फरवरी के, फिर भी उन्होंने नहीं आने के बाद मेरे को आज फिर से पुलिस स्टेशन आना पड़ा यहाँ पे। आने के बाद फिर FIR दर्ज हुआ उनके ऊपर और सेक्शंस पड़े उनके ऊपर अभी, और मोहम्मद फिर भी पुलिस स्टेशन में आके फिर ये बोल रहे मेरे को कि निकाह नहीं कर तू, मैं तेरा हाल ऐसा कर दूंगा, मैं तू दुबई चले जाना वापस, इंडिया में रहे जैसा काबिल नहीं रहना, बोल के धमकियां दिए। और उसके बाद परसों एक कॉल आया मोहम्मद को, मैं कॉफी शॉप पे बैठी हुई थी और सुबह के 11 बजे इसलिए निकल गई थी मैं क्योंकि मेरे को पुलिस वाले FIR की कॉपी लेने आओ बोले, तो उनको वो सारे दिन की खबर है।